गुरु संगत जीओ सब भारत के कोने कोने तो देश विदेश इस किसान संघर्ष मोर्चे के हाजरी भरते हुए प्यार साथ हाजरी प्रवान करो। फतेह बुलाइए, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये शांतमई संघर्ष है। जेड़े कोई लोग सानू होर समझते ने जां सरकारां कोई होर समझदियां ने उन्हां नू ये समझ कर लैनी चाहीदी है कि ये देश दे विच पूर्ण तौर पर अमन शांति और अखंडता एकता शांति दे प्रतीक हैं, जो कि ये सारे देश दे रखवाले हैं। इस करके ये सरकार नू समझ करनी चाहिए है कि इन्ने लंबे संघर्ष दे विच इन्ना जो आपने डेरी की है ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। ये डेरी इन्नी करनी नहीं चाहिए सरकार नू, जो सारे भारत के लोग सारे विदेशों के विचों भी नाल ये शांतमई संघर्ष विच सारे अपना योगदान पा रहे ने। सारे की जो एक आवाज है कि काले कानून रद्द किए जान और जो जेड़ा किसानियत किसानों वास्ते मजदूरों वास्ते जो भी लोड़ी वो मंग है उसनु तुरंत प्रवान करके उस फैसले से फुल चढ़ावे सरकार और इस लुकाई की खलकत की ये किसानों की सारे मजदूरों की ये खुशी प्राप्त करे ना कि ये इन्नी देरी करके कोई गलती ना करे। ये सारे जिन्हें भी इस शांतमई संघर्ष में सारे अपना अपना योगदान पा रहे ने। बहुत सारे लंगर ला के बहुत सारे संगतां थां थां ते ये गुरु के लंगर ला के इस स्टेज के द्वारा जो आवाज दी जा रही है वो सब दी एक आवाज है कि असी देश विच एकता प्यार इत्तेफाक चाहते हाँ। ये देश की चढ़ती कला लई हमेशा ये सारे किसान जिथे किसान मजदूर जिस लोड़ नू भी वो लैके तुहानू सरकारे आवाज दिंदे ने। इन्हां दी आवाज तुरत सुननी चाहीदी है, इन्ने लंबी डेर नहीं करनी चाहीदी। कदे भी असीं ऐसा अंदोलन नहीं वेखिया ना कदे इतिहास विच पिछे सुनिया ही है कि जिथे सारा भारत एक आवाज विच ये शांतमई अंदोलन दे के ये आवाज दिंदा होवे सरकार नू कि काले कानून रद्द करके ते ये जो किसान चाहते हैं इन्हां नू दिता जावे। इहदे विच सारे ही वर्गां दे सारे ही धर्मां दे सारे इत्थे आण के अपना शमूलियत कर रहे ने, जिहदे विच देश विदेश दीआं संगतां भी और विदेशों विचों भी जिहड़े के वो इस आवाज के नाल खलोते ने कि जो किसान चाहते हैं ये भारत सरकार उन्होंने तुरंत देवे काले कानून रद्द करे। सो साध संगत जी अज अजी नहीं बाबा गजन सिंह जी आए ने, बाबा मेजर सिंह जी आए ने, बाबा शिंदा सिंह जी भिखीवंड वाले आए, बाबा मान सिंह जी, इसे तरह बाबा त्रिलोक सिंह जी, किन्ने गुरु के प्यारे संप्रदावां
सारिया संप्रदावां कार सेवा वाले महापुरख, क्योंकि संतां दा एक कर्म है कि जिथे कोई दुखी होवे उस दुख की आवाज विच आवाज देनी। ये सारे संत महात्मा संप्रदावां सब निहंग सिंह गुरु की फौजां हाजिर हुई ने, किसानां दे नाल खलोते ने, मोढ़े ना मोढ़ा ला के। इस करके ये अमन शांति का ये प्रतीक विखाया जा रहा है। इस अमन शांति बड़े प्यार दे नाल अमन शांति विच रह के इस मोर्चे की चढ़ती कला वास्ते साध संगत जी अरदास करते हैं। सारे ही आप अरदास करते हैं कि सतगुरु इस मोर्चे की सफलता बख्शिश करो। और ये सरकार समझ लवे कर्म कर। इस करके ये समा है अज सानू सारिया नू शांति विच रह के इहदे अमन शांति विच इस मोर्चे की सफलता दी अरदास। सारे गुरमुख प्यारे करते हैं, सारे धर्मां दे कर रहे हैं। सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा करन, चढ़दी कला बख्शिश करन। असी हमेशा ही जो कि शांतमई ढंग के नाल मोर्चा के नाल असी अज नो नहीं जदों तो मोर्चा लगा है, इसे तरह सारा पंथ सारिया संगतां सारे महापुरख सारिया संप्रदावां वालों कोई लंगरां की सेवा कोई बस्तर वंडन की सेवा जो भी कोई कर सकता करी जाता है, इस तरह तन मन धन की सेवा के नाल नाल सारे आपां इस मोर्चे की सफलता लई अरदास करते हाँ। सतगुरु कृपा करन सच्चे पातशाह ये जो मोर्चा है, क्योंकि ये शांतमई मोर्चा है, ये एक हक दे जड़ी लड़ाई है वो सच दे प्राप्ति वास्ते है। इस करके सारिया संगतां बड़े प्यार दे नाल अज तो कई दिन तो अज कितना चिर हो गया, चौंतीवां दिन हो गया, अपने जड़े किसान यूनियन के जड़े मुखी साहबान हैं, क्योंकि उन्होंने प्रबंध है उन्होंने नाल अपना सारे ने संजोग करना है। सतगुरु कृपा करन सच्चे पातशाह चढ़दी कला बख्शिश करन, मेरा करन। सो सारिया संगतां का बहुत बहुत धन्यवाद है कि जड़े इन्हें दिनों तो लैके लगातार अपने कमां कारां नूं संकोच के ठंड की रुत विच आण के इत्थे आप डट के बैठे हो कि यह साडे हक की आवाज है और यह आवाज ये सरकार सुने सुने अवेसरी ना होवे। सरकार जो बनता है वो कानून के मुताबिक है कि जो जिमीदार मंगते हैं उन्होंने तुरंत दिता जाए, किनारे काले कानून रद्द किए जाण, इन्हां दी खुशी प्राप्त करे सरकार। इहदे विच ही ये रब की खलकत की खुशी होवे ते ओह रब की खुशी हो जाती है। महाराज साहब कृपा करना ये मोर्चे की सफलता आप लैके खुशी खुशी अपने घरां नूं जावो, ये सरकार नूं भी ये छेती छेती ध्यान देना चाहिए, इन्ना लम्मा नहीं करना चाहिए। एक एडा वड्डा अंदोलन से संघर्ष जिहदे विच सारे वर्गों के लोग सारे धर्मां के लोग आण के खलोते होण, उहदे विच सरकार नूं अपने आप इत्थे आण के हाजिर हो के कहना चाहीदा है कि असी उहदे नाल हाँ जो तुसीं चाहुंदे हो जिमीदार। इस करके अज सारियां संप्रदावां निहंग सिंघां मुखी साहिबान
सारे हाजिर होए ने जो कि किसी के मन में कोई इतने भुलेखा नहीं, क्योंकि ये किसी पार्टी का काम नहीं है, ये किसी धड़े का काम नहीं है, ये एक जिहड़ा संघर्ष है ये सच ते पहरा देने वालों दे नाल उन्हां दी लोड़ नू जिहदे विच आपां सारे किसान हाँ, ते उस किसान किसानियत दे जो असूल हन उन्हां दे मुताबक जिहड़े कोई काले कानून लिख दिते ने सरकार ने उन्हां नू पड़ाउण वास्ते सारे इत्थे इस संघर्ष विच सारे जुड़े हाँ। सतगुरु कृपा करन ये मोर्चा जल्दी तो जल्दी फतेह होवे, सतगुरु खुशियां बख्शन सच्चे पातशाह आप दे खालसे पंथ दियां सिख संगतां दियां, सतगुरु चढ़दियां कला बख्शन सच्चे पातशाह महाराज दे साहब जादियां दे जोड़ मेले संगतां ने मनाए, गुरु तेग बहादुर साहब जी का शहीदी पर्व से संगतां ने मनाया। सो साध संगत जी साढ़े ते गुरुआं दा ए जिहड़ा भी कोई आ गया उहदे वास्ते महाराज साहब जी ने धर्म की चादर मन गया गुरु तेग बहादुर साहब जी ने रख्या की सारिआं दी, इस करके सारिआं संगतां ये हाजरी प्रवान करो और सारे ये अरदास हर रोज बड़े प्यार दे नाल जिथे जिथे भी अस्थाना दे धामा दे अखंड पाठ करवा के संगतां अरदासां कर रही ने, सतगुरु कृपा करने जल्दी जल्दी मोर्चा फतेह होवे, भुलां चुकां दी खिमा बख्शणी प्यार साथ फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।